हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप काम करता है, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस क्या है, और सबके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन who takes a considerable amount of risk to own and operate the business with an aim of earning returns and rewards from that business. So, entrepreneur एक person होता है जो considerable amount में risk लेने के लिए तैयार होता है, जो एक नए business को start करता है और जिसका main aim होता है ज़्यादा से ज़्यादा earnings और rewards को gain करना। Okay, so entrepreneur क्या करता है, वो market में research करता है और देखता है market में किस तरीके के products की demand ज़्यादा है, वो उसी से related जो है एक product बनाता है, उसे market में launch करता है। Okay, जैसे कि आप सबसे अगर fresh example ले तो MBA चाय वाला, जिसका हम ऑलरेडी एग्जांपल दे चुके हैं, जिन्होंने क्या किया, देखा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, चाय कंज्यूम की जाती, तो उन्होंने चाय को ही अपने बिजनेस में शामिल किया और उससे रिलेटेड एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिली। ओके, इसके अलावा हमारे बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा जैसे लोग भी शामिल हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट में देखा कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं जिसमें हमें सक्सेस मिले, जो मार्केट में ज़्यादा चले और जिसकी डिमांड है, कस्टमर्स लेना पसंद करेंगे, अफोर्ड कर पाएंगे, उस हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाया और मार्केट में लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुए। इसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, अगर जो भी बिजनेस वो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट भी हो और रिस्क भी हो, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क के लिए पहले से ही तैयार होते हैं और वो अनुमान लगा लेते हैं कि उन्हें उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस होगा और वो कितना बियर कर सकते हैं, वो इसकी कैपेबिलिटी रखते हैं, उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है जो उन्हें एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनाने का काम करती है। ओके, तो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग क्लियर हो गया। एंटरप्रेन्योर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, वो रिस्क, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो एक अच्छा डिसीजन मेकर होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, और क्या क्वालिटीज होती हैं, वो बोल्ड डिसीजंस लेता है और कुछ इनोवेटिव, कुछ नया करने का उसमें जो है इंटरेस्ट होता है, उसे करने की उसमें कैपेबिलिटीज होती हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज पेड रेमुनरेशन अकॉर्डिंग टू द पर्सन सक्सेस ऑफ द बिजनेस यूनिट फॉर विच ही और शी इज हायर्ड। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो एक एम्प्लॉय होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और जिसे उसके काम के बदले में रेमुनरेशन मिलता है, जिस हिसाब से भी वो अपना काम कर रहा है, जितने वो एफर्ट्स बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लगा रहा है और जिस पोजिशन में वो हायर किया गया है, उस तरीके से या उस हिसाब से ही जो है उसे रेमुनरेशन पे किया जाता है उसे काम के बदले में। सो एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक ऐसा पर्सन होता है जो एग्जिस्टिंग बिजनेस में एज एन एम्प्लॉय काम करता है, जिसमें वो सारी क्वालिटीज होती है जो एक एंटरप्रेन्योर में होती हैं और वो अपनी उन सभी क्वालिटीज का यूज बिजनेस की ग्रोथ और डेवलपमेंट में करता है। ओके, तो आपको एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के मीनिंग क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं, जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है। ओके, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिएगा, जिससे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू अ पर्सन हु सेट अप हिज ओन बिजनेस विद अ न्यू आइडिया और कॉन्सेप्ट। जैसा कि अभी हमने बात की कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जो एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, अपने नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट को यूज करता है और कुछ इनोवेटिव करने की उसमें कोशिश करता है, जिससे कि वो मार्केट में कुछ नया लॉन्च करे और जो कस्टमर्स हैं वो उसके उस प्रोडक्ट को, उसकी सर्विस को पसंद करें। ओके, तो वो पर्सन होता है एंटरप्रेन्योर। वहीं पर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर रिफर्स टू एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज इन चार्ज ऑफ अंडरटेकिंग इनोवेशंस इन प्रोडक्ट सर्विस प्रोसेस एटसेट्रा। सो एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय वर्क करता है, जो कुछ इनोवेशंस और चेंजेस लाता है प्रोडक्ट में और कंपनी की उस प्रोसेस में, जहां पर भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, जो कंपनी की इंप्रूवमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है, वो सभी एफर्ट लगाता है जो है ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट्स के लिए। ओके, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ओके, फिर एंटरप्रेन्योर यूजेस ओन रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर के पास जो अपने मनी, मैन और मशीन्स होती है, उनका वो लिमिट अपने रिसोर्सेज का यूज करता है और उसके थ्रू ही वो अपने नए बिजनेस को स्टार्ट करता है। ओके,
वहीं पे एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है, ही यूजेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, वो उन रिसोर्सेज का ही यूज करता है जो उसे कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके नेक्स्ट है न्यूली एस्टैब्लिश्ड एंटरप्रेन्योर, न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंपनी में काम करता है, वो एक नए बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें अपनी जितने भी मनी कैपिटल है उसको इन्वेस्ट करता है, अपने हार्डवर्क के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने एक्सपीरियंसेस रिसर्च के थ्रू वो उस बिजनेस को स्टार्ट करता है और जितना हो सकता है उसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है। वहीं पर एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो एक एग्जिस्टिंग बिजनेस में काम करता है, बिजनेस के बेटर ग्रोथ के लिए अपनी नॉलेज को यूज करता है, जो भी उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है, जो उसकी स्किल्स हैं, जो भी उसमें कैपेसिटीज़ हैं, उनका वो बेटर यूज करता है अपने उस बिजनेस को बेटर बनाने के लिए, उसकी बेनिफिट्स के लिए। ओके नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर क्रिएटिंग अ लीडिंग पोजीशन इन द मार्केट, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक लीडर की तरह मार्केट में काम करता है, वो जो है एक खुद ही इंडिविजुअल पर्सन होता है जो एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो अकेले ही जो है वो उसको बियर करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, वो चेंज एंड रिन्यू द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड कल्चर, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर वो काम कर रहा है अगर वहां पर कुछ चेंज करने की जरूरत होती है या कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है तो वो उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में उसे चेंज करता है और उसको और बेटर बनाने की कोशिश करता है, और अगर उस कंपनी में कुछ भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कंपनी होती ना कि एंटरप्रेन्योर। ओके सो आपको दोनों का मीनिंग आई होप डिफरेंस जो है वो क्लियर हो रहा होगा, अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है, कुछ भी आपके अंदर डाउट्स आते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, एन एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बॉस सो ही इज इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजंस। अब जबकि एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है तो सिंपल सी बात है कि वो अपना खुद बॉस होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करता है, उन्हें बताता है किस तरीके से काम करना है, बेसिकली मेन डिसीजन जो मेकर होता है, जो डिसीजंस लेता है वो एंटरप्रेन्योर ही होता है, वो अपने डिसीजंस को लेने के लिए इंडिपेंडेंट होता है और उसे पता है कि वो कैसे डिसीजंस लेगा जिससे कि उसे बिजनेस में फायदा हो। ओके Entrepreneur who works for the organization, he cannot take independent decisions. अब जो कि entrepreneur है वो उस business में organization में as an employee work कर रहा होता है तो वो decisions लेने के लिए independent नहीं होता है, उसे company के approvals की जरूरत पड़ती है और उसके बाद ही वो कोई भी decision लेता है company के लिए। Okay, तो ये कुछ main differences थे entrepreneur और entrepreneur के बीच में। Okay, तो I hope आपको दोनों का ही meaning अच्छे से clear हो गया होगा, अगर आप video आपको अच्छा समझ में नहीं आया है तो आप उसे repeatedly देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा अगर कुछ डाउट्स होते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।